पेड़ पर झूलती मिली मलयालम एक्टर एंडी प्रसाद की लाश, लोगों को नहीं समझ आ रहा कि उनकी हत्या की गई है या फिर उन्होंने सुसाइड किया है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। मलयालम सिनेमा की कई फिल्मों में काम कर चुके एक्टर एंडी प्रसाद अब हमारे बीच नहीं रहे। 43 साल की उम्र में एंडी प्रसाद ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एंडी प्रसाद ने 7:30 बजे अपने घर के सामने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। कोची के पास कलाम सेरी में उनकी लाश घर के बाहर एक पेड़ से लटके मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रसाद ने घरेलू मामलों से परेशान होकर आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आपको बता दें कि पिछले काफी टाइम से कई एक्टर्स की सुसाइड और हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। एक्टर्स जिस तरीके से एक के बाद एक अपनी जान ले रहे हैं, उससे लोग काफी परेशान हो गए हैं। अब एक नया मामला सामने आया है जहां पर मलयालम सिनेमा की कई फिल्मों में काम कर चुके एक्टर एंडी प्रसाद ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। एंडी प्रसाद की लाश उनके घर के बाहर एक पेड़ से लटकी मिली है। ऐसे में लोगों का मानना है कि उनकी हत्या की गई है, जबकि शुरुआती जांच में ऐसा बताया जा रहा है कि एंडी प्रसाद ने घरेलू मामलों से तंग आकर अपनी जान खुद ली है। प्रसाद के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। उनके बच्चों ने अपने पिता को पेड़ पर फंदे से लटका पाया। इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों को इस बारे में जानकारी भी दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि उन्हें पारिवारिक के अलावा कुछ मानसिक परेशानियां भी थी। उनकी पत्नी भी कुछ महीने पहले ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। लगता है कि वो काफी टाइम से डिप्रेशन में थे, जिसके बाद एक्टर ने ये बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि पिछले साल एक्टर को गांजा और अफीम रखने के मामले में पकड़ा गया था। ये बात 2021 की है। कई पुलिस स्टेशनों में प्रसाद के खिलाफ कई मामले भी लंबित थे। एंडी प्रसाद ने 2016 में रिलीज हुई निविन पॉल स्टारर एक्शन हीरो बीजू में खलनायक की भूमिका निभाई थी। उनके इस रोल को दर्शकों से काफी सराहना भी मिली थी। वो फिल्म के क्लाइमेक्स में नजर आए थे, लेकिन जिस तरीके से एक्टर ने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया है, उसके बाद लोगों में काफी परेशानी का माहौल देखा गया है कि आखिर एक्टर ने इस तरीके से बड़ा कदम क्यों उठाया।